क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स, खास तौर से जब किसी कंट्री की क्रिकेट मैच होती है तो देख करके किसी साइड के सपोर्ट में घर में चिल्लाना, घर में झगड़ा, यहां तक आके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्रिकेट की वजह से। ये फाइनली एक गेम से ज्यादा लोगों के लिए उनका रिलीजन बन गई है। सचमुच बहुत से लोगों के लिए ये उनका मजहब बन गया है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आराफ में सूरह 7 आयत नंबर 51, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا, वो लोग जो अपने दीन के तौर पर लहव ولعب यूजलेस चीजें, खेल कूद को अपना रिलीजन बना लेते हैं, وغرتهم الحياة الدنيا, और दुनिया की जिंदगी उन्हें धोखे में डाल देती है, तो अल्लाह ताला ने बताया कि उनका बहुत बुरा अंजाम होगा। देखिए हम सबको समझना है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जिसके पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिसे पता नहीं कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, जिसे पता नहीं कि हम दुनिया में एग्जाम चल रहा है हमारा, अल्लाह ताला हमें रिजल्ट देने वाले हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है उनका बनाने वाला कौन है, जिन्हें मालूम नहीं है कि यहां से हमें कहां जाना है, ऐसे लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा उन्हें तो दुनिया में जिंदगी में खालीपन उनको जैसे काटने को आएगा, काटने को उनको ऐसा लगेगा मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में। लेकिन जिसे पता है कि मैं यहां दुनिया में इम्तिहान के तौर पर हूं, कयामत के दिन जिसने मुझे पहली बार बनाया अल्लाह ने, उसके लिए फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कयामत के दिन मेरा हिसाब आने वाला है, मैं या तो जन्नत में पहुंचूंगा या तो जहन्नम की आग में जाकर वहां सजा पाऊंगा। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है तो ये इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत नहीं खेल सकते हैं, हराम है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो प्रोफेशनल तौर पर बना दिया जाता है एक तरह का पूरा बिजनेस कॉम्पिटिशन, ये सब गलत है। इस सब से हमें खुद को भी बचना चाहिए, बचपन से अपने आप को बचाना चाहिए, बड़ों को भी बचना चाहिए, छोटों को भी बचना चाहिए, घर वालों को बचाना चाहिए, घर में क्रिकेट को रोक देना चाहिए। हाँ आपको वो वक्त साथ में गुजारना चाहिए, माँ बाप बच्चे एक साथ में क्यों ना कुछ अच्छी चीज करें, वो क्रिकेट बन करके कुछ खुद एक अच्छी एक्टिविटी करें, कोई ऐसी चीज करें जिससे आपका रियली फायदा हो। वो क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए बन रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो, तो अपने आप को इस तरह से बेवकूफ बनने मत दो, बनाने मत दो। आखिर में हम सब के लिए एक बात है कि अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखना चाहिए और हेल्दी एंटरटेनमेंट जिससे सेहत बने अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारी ये बुरी चीजों से बचकर हमें अपनी गेम खेलनी चाहिए और वो गेम्स के अंदर एंजॉय करें जिससे कयामत के दिन हम किसी पर जुल्म करके नहीं आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे शैतान भी यूज कर रहा है क्रिकेट के अंदर, फिर बेहयाई को भी डाल देते हैं, ऑब्सिनिटी गंदी चीजें भी आ जाती है, कैसे लोगों को क्रिकेट के बहाने शैतान के रास्ते पर ले जाया जाए। ऐसे प्लान में शैतान को कामयाब होने नहीं देना चाहिए, हमें अपने सीधे रास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जम के रहना चाहिए, इसी पर जीना चाहिए और इसी पर इंशाल्लाह कामयाबी के साथ जीतना चाहिए। असल विनर वो है जो जिंदगी के मकसद को पहचान ले। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको इस बात की अहमियत को समझने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।